हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार और आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है, फिट है। तो इस लेसन में मैं लेकर आया हूँ हैकर का मास्क कैसे इजी और सिंपल तरीके से बनाते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, उन लोगों में से कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा। तो उनका नाम है इशिता माझी, राज बेल्ट, ऑल संग्स, हरप्रीत कौर, एम डी विशाल, आयुष कादब, मधुस्मिता साहू, ध्रुव मारू, अरविंद बोस, टेक्निकल टिप्स, संपी उप्रति, केशव हैक्स, कृति पिलवन, बोबिता दत्ता, नवसान, सभ्यकरण, लोकेश सिरोही और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ किया हूँ आइवरी शीट एंड टेम्पलेट। ये टेम्पलेट के लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। और पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं। और ये जो पार्ट है इसी तरह हमको इसको काटना है। तो अब भी इसको इसी तरह काटिए, इसको पूरा नहीं काटना है। ये है आईब्रोज के लिए है, ये थोड़ा सा डायमेंशन लुक आ जाएगा। इसको इसी तरह आप काटिए बट पूरा नहीं काटना है इसको, इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। तो ये दोनों हमने काट लिया है। अभी ये जो हल्का सा लाइन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके एक कट मार्क देंगे, इसको काटेंगे नहीं, हल्का सा मार्क देंगे ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। और अब हम इसमें वाइट ग्लू लगाकर इसको चिपका देंगे तो दोनों साइड में इसी तरह थोड़ा सा डायमेंशन लुक आ जाएगा। तो दोनों को बना लिया मैंने। अभी नोज काटते हैं, इधर काटना है, इधर भी राउंड करके हल्का काटना है। सो इसको काट लेते हैं, इसी तरह राउंड करके आप काटिए। अभी ये जो नोज का जो ये पार्ट है इसको इसी तरह निकाल देना है और इधर भी काटना है। ये डायमंड शेप है ऊपर और ये नीचे फ्लैट, तो इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। अभी इस पार्ट को हम काट के निकाल देंगे, इसको ये काट हो गया। और ये जो लाइन है दोनों साइड में इसको भी हम एक कट मार्क देना है, इसको पूरा नहीं अलग कर देना है, इसको हल्का से काट ताकि फोल्ड करने में बहुत आसानी हो जाती है। अभी ये जो नोज है इतने पोर्शन में हमको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। तो इसी तरह मैंने लाइन देकर इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया हूं, ये थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा। अभी ये जो हमने काट किया था इसको इस पोर्शन में अंदर लेकर इसको वाइट ग्लू से हम चिपका देंगे। हाँ, दोनों साइड में मैं इसी तरह लगा लिया हूँ, ऐसे चिपका देते हैं इसको, इसको भी हम चिपका देते हैं। ओके, और ये सेंटर में भी हम इसी तरह चिपका देंगे। तो ये हमारा नोज का डायमेंशन आ जाएगा, ये मैंने इसी तरह किया। और ये जो पार्ट है इसको भी हम घुमाकर इसमें वाइट ग्लू से इसको चिपका देंगे, एक पार्ट नीचे करके। तो ये चिपका दिया हमने, दोनों साइड बना लिया हूँ। ये गाल के लिए है, ये पार्ट भी हम यहाँ पे चिपका देंगे। और पूरे जो मास्क है इसको हम थोड़ा सा बैंड कर लेते हैं, इसी तरह थोड़ा सा फोल्ड करते हैं हाथ से, थोड़ा सा राउंड शेप आ जाता है। और इधर से एक मार्क करते हैं, इसमें ये ग्लू लगाकर इसमें हम चिपका देंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह चिपका देंगे। और ये जो नोज के पार्ट है इसको थोड़ा सा मजबूती देने के लिए और एक स्ट्रिप काट के लगा देंगे, ये पार्ट भी हम यहाँ पे चिपका देंगे। इसी तरह दोनों हम इसमें फिट कर दिया। ओके, नाउ अभी हम इसमें लगाएंगे नोज। तो ग्लू से इसको बराबर नोज लगा देना है और थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लू देकर मैंने इसमें लगा दिया ताकि निकल ना जाए और ये मजबूत हो जाता है। गाल में थोड़ा सा ऊंचा दिखाने के लिए इसमें मैं दोनों साइड में इसको चिपका दूंगा। अभी आईब्रोज जो बनाया था हम उसमें भी हम इसी तरह चिपका देंगे। ये बन गया है, बहुत सिंपल और बहुत आसानी है। और इसका ऊपर एक और आईब्रोज का लेयर्स हम दे देते हैं बस। अब लिप्स जो है, लिप्स के लिए भी हम इसी तरह एक
टेम्पलेट काट लेंगे आप, और फिर इधर से भी दोनों साइड से थोड़ा सा काटना है, और ये जो काटने के बाद पूरा अलग नहीं करना है, और फिर इस साइड में थोड़ा सा वही टेक्निक से थोड़ा सा हल्का सा इसको कट मक देकर और फिर ग्लू से इसको हम चिपका देंगे ताकि ये नीचे से पेस्ट हो जाए। और ये सेंटर में थोड़ा सा काट देंगे ताकि ये राउंड होने में इजी हो, तो इधर को भी ग्लू से लगा देते हैं इसी तरह। नीचे वाले लोअर लिप्स में हम इसमें लगा दिया। अभी आईब्रोज बनाने के लिए ये ब्लैक स्ट्रिप काटा मैंने, और ये दो स्ट्रिप काटने के बाद एक साथ काट लेते हैं और हम इसमें आईब्रोज के ऊपर इसको चिपका देंगे। बहुत सिंपल है, दोनों हम चिपका देते हैं। इसमें ब्लैक कलर का भी झंझट नहीं है, और एक ब्लैक स्ट्रिप है जो हम इसके मूछें बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह मैंने इसको चिपका दिया। अब नीचे थोड़ा सा दाढ़ी है, इसको बनाने के लिए मैं ब्लैक स्ट्रिप इसी तरह शेप में काट लिया हूँ। आप चाहे तो ब्लैक कलर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इसमें करेंगे एक्रेलिक कलर, और ये है क्रिम्सन रेड, वाइट एंड ब्लैक। तो क्रिम्सन रेड थोड़ा सा लेकर वाइट से इसको पिंक बनाया, गाल में लगाया, और बाकी जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर लगा दिया। अभी इसको शेडिंग देने के लिए थोड़ा सा ग्रे करके मैं फिर इसको लाइनिंग का शेड दिया हूँ। ये एक्सप्रेशन निकल कर आएगा फिर ये आइस में, इसी तरह मैंने दे दिया हूँ। तो आप भी दे सकते हैं इसमें, तो बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ भी थोड़ा सा ग्रे कलर और मिक्स्ड कर दिया ताकि थोड़ा सा और डायमेंशन लुक समझ में आए, और ये हमारा बन गया। और दोस्तों पीछे लगाने के लिए मैंने दो गार्डर यूज़ किया हूँ ताकि आसानी से हमारा सर से फिट हो जाए, और इसमें दो साइड में छोटा सा स्ट्रिप काट कर ग्लू से मैंने इसको चिपकाया हूँ। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। और एक लेफ्ट साइड में लगा दिया, एक राइट साइड में लगा दिया, और ये दोनों साइड लगाने के बाद ये हमारा बन गया है। अब हम इसको पहन सकते हैं, हम कुछ भी एथिकल हैक कर सकते हैं। तो आप इसको पहनकर कोई भी ऐसे अच्छे काम करिए ताकि हमारा देश का नाम और ऊंचा हो जाए। आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ आपको अच्छा लगे तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, और मुझे और कमेंट्स करना है ताकि मैं और भी लेकर आऊं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।